देखो एक बार पुनः अपन एक और सवाल करते हैं और उसमें भी शांत और अशांत संख्याओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे आपकी बुक का एक और उदाहरण है 13/1325, 3125, और इसका अपने को शांत और अशांत बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 3125 है इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं तो 3125 इसमें गुणनखंड करने पर सबसे पहले भाग जाएगा 5 का, और 5 का भाग गया 6 5 30, और इसके बाद में बच गया 1 5 2 की 10, और 5 1 2 बच गए 25, 5 25, फिर 5 का भाग 625 मिलेंगे, वह जाएगा अपने पास में 125 का। फिर 5 का भाग देंगे 125 में तो वह जाएगा हमारे पास में 25 बार। फिर 5 का भाग देंगे 25 में, हो गया 5 बार, और 5 का भाग दिया 1 बार। अब अपने को 13/3125 के जो भी गुणनखंड प्राप्त हुए वह 5 की घात 1 2 3 4 5 के रूप में प्राप्त हुए, जबकि 2 की घात यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुई, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 0। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब ये 2 की घात 0 है तो यहाँ ऐसा ना सोच है कि हमारे पास में एम का मानी 0 हो गया तो वह संख्या शांत होगी अशांत होगी। तो यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि अगर 2 की घात नहीं बने, केवल 5 की ही घात बने, तो भी वह संख्या शांत होगी, और यदि 5 की घात न बनकर केवल 2 की ही घात बन जाए तो भी वह संख्या शांत होगी। तो यहाँ पर हमारा इसका भी फिर भी आंसर क्या रहेगा, शांत संख्या। क्यों? क्योंकि देखिएगा क्यू का जो गुणनखंड कर रहे हैं वह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में विद्यमान है। कैसे कि 2 की पावर m का मान तो 0 हो चुका है और 5 की पावर 5 अर्थात n का मान कितना हो चुका है, 5 हो गया है। तो इस कारण से फिर भी यह संख्या क्या बन जाएगी, 7। एक लंबे प्रोसेस के बिना भी अपन आसानी से सवाल को एक नंबर के लिए बिना भाग दिए शांत और अशांत की प्रवृत्ति बता सकते हैं। ओके कंप्लीट, लिखिएगा इसको फटाफट से। देखिए ऐसे ही एक और उदाहरण की अपन बात करें, जैसे कि 17/6 आपको तीसरे सवाल में दे रखा है, और 17/6 का जैसे नीचे 6 के गुणनखंड करें तो 6 के गुणनखंड अपने पास में 2 × 3 के रूप में प्राप्त होंगे, अर्थात 2 × 3 6 का गुणनखंड बनेगा। तो 6 का गुणनखंड में 2 और 3 आया तो हम लिखेंगे 17/2 × 3 पर। अब हम हमारी परिभाषा के आधार पर समझें तो परिभाषा ये कह रही थी कि आपके पास में P/Q जो भिन्न है वह शांत तभी होगी दोस्तों जब आपके पास में गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में विद्यमान हो। परंतु यहाँ समस्या इस सवाल में क्या पैदा हो गई कि हमारे पास में 2 की पावर के रूप में तो गुणनखंड प्राप्त है परंतु 5 की पावर में कोई गुणनखंड विद्यमान नहीं है, अर्थात अतिरिक्त संख्या उसके स्थान पे 3 आ चुकी है। अब जैसे ये 3 आया तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कह देंगे कि यह संख्या 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह संख्या अशांत होगी, अतः यह संख्या या भिन्न अशांत होगी। तो आसानी से अपने को समझ में आ रहा है। तो शांत कब का बतानी है, जब आपके पास में 2 × 5 के रूप में ही गुणनखंड विद्यमान हो तब संख्या क्या होगी दोस्तों, शांत होगी। और यदि अपने पास में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ जाए उस कंडीशन में कभी भी शांत संख्या नहीं होगी। तो अपन इनको आसानी से एक छोटे से तरीके से समझ सकते हैं कि कब शांत और कब अशांत के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। कि आपके पास में अगर किसी भी हर का गुणनखंड अगर 2 ही 2 के रूप में प्राप्त हो, 2 × 2 × 2 केवल 2 ही आए तो भी आपके पास में संख्या शांत होगी, तो भी वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। अगर आपके पास में गुणनखंड 5 × 5 × 5 केवल 5 ही 5 के रूप में आए तो भी वो संख्या शांत होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है,
अगर हमारे पास में गुणनखंड दो के रूप में भी आए, पांच के रूप में भी आए और इस तरह से ये क्रम आता रहे, चलता रहे, कोई जरूरी नहीं कि दो और पांच ऐसे आए, पांच पांच रेगुलर भी आ सकते हैं, दो दो रेगुलर भी आ सकते हैं, तो भी वो संख्या हमारे पास में शांत होगी। परंतु दोस्तों इस दो और पांच के अतिरिक्त अगर आपके गुणनखंड में कोई नई संख्या पैदा हो जाए, जैसे तीन आ जाए, सात आ जाए, नौ आ जाए, ग्यारह आ जाए, तो भी वह संख्या हमारे पास में शांत न होकर अशांत बन जाएगी। अर्थात गुणनखंड खंड में तीन सात तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह इनके रूप में अगर गुणनखंड प्राप्त होता है, अगर यह संख्या गुणनखंड में विद्यमान है, तो आपको आंख मीच कर और आंखों को तो खुला रखना है, बंद कर दोगे तो फिर दिखेगा कहां से, तो वो भी खुली रखनी है। तो आंखों को खुले रखते हुए और ज्यादा दिमाग न लगाते हुए आसानी से यह कह दीजिएगा कि यह संख्या अशांत है और हमारा एक नंबर पक्का हो जाएगा। अब बोर्ड के पेपर में हर साल एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, एक नंबर का हर सवाल हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से, शांत और अशांत केवल इतना सा कितना है और कुछ नहीं करना है, और आसानी से हम पता करने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हैं। आया समझ में? अब इसी के प्रकार इसी प्रकार से आपके पास में नीचे दूसरे क्वेश्चन में भी कुछ संख्याएं दे रखी है, जिनमें आपसे कहा कि दशमलव प्रसाद लिखिए और बताइए कि यह संख्याएं शांत है या अशांत है। अब दशमलव प्रसार का मतलब ये होता है दोस्तों कि अपने को भाग देकर जब तक उनमें भाग जा रहा है या जब तक उनमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तब तक अपने को भाग देते रहना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दूसरे सवाल का एक सवाल सिखाता हूँ और उसी से आपको कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे क्या करना होता है। देखिए जैसे आपका पहला सवाल है दूसरे में 13/125, अब अपने को ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यहाँ अपन ये नहीं कह सकते कि इस गुणनखंड विधि से शांत अशांत नहीं बताएंगे, अब की बात किसे बताना है, प्रसार से। प्रसार का मतलब क्या होता है, बड़ा तरीका। तो हम सबसे पहले क्या करें, 13 में भाग देंगे किसका, 125 का। अब भाग दें तो 13 में तो 125 का भाग जा ही नहीं सकता, नहीं जाएगा तो हम पहले जीरो बार भाग दे देते हैं, तो जीरो बार भाग दोगे तो जीरो ही रहेगा और बच गए कितने, 13 के 13। अब आगे क्या कर दो, दशमलव लगा दो, ये लगाया आपने दशमलव और बढ़ा दी जीरो, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो उस पॉइंट की एक अपने को संख्या बढ़ानी होती है, वो भी किसके रूप में, शून्य के रूप में। अब 125 का 130 में भाग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, 125 का भाग जाएगा एक बार और जैसे इसमें से घटाएंगे तो बच गया अपने पास में पाँच, पर फिर भी पाँच में भाग नहीं जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव तो लग रहा है उसकी जीरो ही केवल बढ़ा सकते हो, परंतु फिर 50 में भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाने के कारण से हम या तो भाग फूट की जीरो बोल देते हैं, परंतु वैसे गणित में कहीं भाग फूट की जीरो का नाम नहीं है, ये केवल आपको भाग देना होता है जीरो बार। तो जैसे मैं इसमें जीरो बार भाग दे दूँ तो फिर एक जीरो और जुड़ जाएगी और 500 में किसका भाग देंगे, 125 का, तो कितनी बार लगभग लगभग 4 बार भाग देकर देखें और 4 से 125 को गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 500 आने चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपके हिसाब से बताओ, क्योंकि 25 चौक 100 और 4 को 1 से गुणा किया तो 400, 400 100 कितने हो गए, 500। अरे पहाड़ा नहीं आता है तो कोई रट्टा थोड़ी मारेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाने की जरूरत है भाई, 25 को 4 से गुणा कर लिया 100 तो हो गए और 100 को 4 से गुणा किया 400, 400 100 कितने हो गए, 500। अब आप बताओ कि ये भागफल आगे जाएगा कि रुक गया। अब जब भागफल ही रुक गया तो हमारे पास में ये संख्या दशमलव प्रसार के रूप में शांत प्राप्त हो गई, अर्थात इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आगे भी ऐसी भाग देकर देखना है, अगर किसी सवाल में भाग देते देते वापस यही प्रोसेस प्राप्त हो जाए
तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कुछ समय संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी और वह भागफल आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी, तब तक भी नहीं रुकने वाला। तो अब हम कैसे रोकें उसको? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ वापिस इस संख्या की नीचे पुनरावृत्ति हो रही है, और जहाँ पुनरावृत्ति हो वहां से कह दो कि इसके बाद में इसका पुनरावृत्ति रहेगी और ये दशमलव प्रसाद अशांत रहेगा, रुकने वाला नहीं है। ऐसी सिचुएशन आपके पास में प्राप्त हो सकती है सवालों के माध्यम से। और इसका तीसरा अंतिम सवाल है जिसमें पहला उदाहरण दिया है 0.0 कितनी दे रखी है संख्या, 1 2 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 और आगे भी डॉट डॉट लगाकर उसने प्रदर्शित कर रखा। अब दोस्तों मेरी बात सुने, जब डॉट डॉट लग रहे हैं तो अपने को ये खुद को पता नहीं कि आगे कितनी संख्या लिखी हुई है, और जब संख्या का पता नहीं है तो आसानी से अपन कह सकते हैं कि ये संख्या अशांत है, और अशांत है कंप्लीट है। और अशांत संख्या आप ध्यान रहे, अशांत संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपने को यह भी पता चल चुका है कि इसको दशमलव प्रसार नहीं रुक रहा है, अशांत है, तो यह संख्या भी अपरिमेय, बीमारी खत्म। अगर हमसे पूछता है कि यह परिमेय का अपरिमेय है तो हम कहेंगे अपरिमेय। क्यों है अपरिमेय? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार नहीं रुक रहा था। अब इसी प्रकार से एक नीचे और आपको अंतिम सवाल दे रखा है, उसमें दशमलव प्रसार रुका हुआ है उसका 43.12 34 56 7 8 9, दशमलव प्रसार रुक रहा है इसका। अब दशमलव प्रसार रुक रहा है तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, शांत है, शांत है क्योंकि भागफल रुक गया, क्योंकि आगे डॉट डॉट नहीं है, तो ये संख्या अपने पास की क्या हो गई? शांत है और परिमेय संख्या क्या रहेगी? ये है परिमेय और ये है अपरिमेय, और इनको कह सकते हैं आसान और इसको कह सकते हैं शांत, शांत परिमेय और अशांत अपरिमेय, आराम से बना सकते हो। तो इन सब चीजों को आप वापिस पुनः एक बार अपने स्तर पर देख सकते हो, समझ सकते हो। जहां कोई चीज समझ में नहीं आएगी उसके लिए आप और ज्यादा समझ सकते हो अपने चैनल पर देख कर।